इस वक्त हमारे साथ हमारी कालका विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हुए आतिश मैम है। किस तरह देख रहे हैं मैम जीत दर्ज हुई आपको कालका जी से, क्या कहेंगे पहले जनता को? देखिए कालका जी की जनता को, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम पर इतना भरोसा दिखाया। और ये काम की जीत है, ये डिलीवरी की जीत है। और हमने जो पिछले 5 साल में काम किया है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है, जनता ने उस पर ठप्पा लगाया है। आपको लग रहा है कि कालका जी राष्ट्रवाद और शाहीनबाग का मुद्दा नहीं चल पाया भाजपा का दिल्ली में? ये तो रिजल्ट से साफ जाहिर है। 62 सीट्स जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी हैं, तो उन्होंने दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि शाहीनबाग मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिजली का बिल है, मुद्दा पानी का बिल है, मुद्दा सरकारी स्कूल है, मुद्दा अस्पताल है। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, अब सभी मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। देखिए हमें हनुमान जी का तो आशीर्वाद मिला है, हमें हर धर्म के हर भगवान का आशीर्वाद मिला है क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। सर किस तरह देख रहे हैं, क्या दिल्ली में राष्ट्रवाद और शाहीनबाग का मुद्दा नहीं चल पाया भाजपा का? आप देखिए ना, तो आपको दिख ही रहा है जो 62 सीटें मिली हैं और बाकी 8 सीटों के ऊपर भी जो बहुत कम मार्जिन रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता आपके डिवाइजिव पॉलिटिक्स का। सो डिवाइजिव पॉलिटिक्स का जवाब इस तरह से दिल्ली वालों ने दिया है वो नाक के नीचे, तो ये बहुत बड़ा कदम है दिल्ली के वासियों का और दिल्ली की जनता ने देश की जनता को दिशा दिखाई है। आज की बैठक में क्या चीज बातचीत हुई है सर सीएम रेजिडेंस पे जो? वो तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट था, आई मीन देयर वाज वन वाज यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि जी विधायक दल का नेता चुना जाए, तो माननीय अरविंद जी को चुना गया जो कम्युनिकेट होगा एलजी साहब के ऑफिस को। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस बार? ये तो माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे आपको, अभी इस पर बातचीत नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री इस पर बातचीत ऐसे नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री आपको बताएंगे, फॉर्मली बताएंगे। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही बन रहे हैं कोई और? भाई ये जो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का है वो मैं कैसे बता सकता हूँ? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं भाजपा के नेता कि हनुमान चालीसा जी का आशीर्वाद मिल गया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, अब प्रत्येक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कराना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि अजूबा ये होगा कि अगर उनके नेता माननीय केजरीवाल जो मेरे नेता हैं उन्होंने पूरे हनुमान चालीसा का पाठ करके सुना दिया, मैं चैलेंज करता हूँ अगर उनका एक भी नेता सुना दे। सर आपके नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, सबसे ज्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता? देखिए मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने क्षेत्र के सभी जनता का, सभी कार्यकर्ता का जिन्होंने इस ऐतिहासिक मैंडेट को हासिल किया। ये जीत और ये मैंडेट उन्हीं को समर्पित है, उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता था। आज मुख्यमंत्री जी का आवास पर बैठक थी, बैठक में क्या चीज हुई, बातचीत हुई है? देखिए विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल में अपने सरकार चुनने के बाद जब जनता चुनती है फिर लोग अपना नेता चुनते हैं, सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना नेता चुना है, तो नेता चुनने के को लेकर बैठक थी, हम सब लोगों ने मिल करके अरविंद केजरीवाल जी को अपना नेता बनाया है। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं केजरीवाल जी? हाँ, रामलीला मैदान में 16 तारीख को। आप सबको भी निवेदन है कि आप सब लोग भी आए। मंत्री कौन कौन बन रहे हैं इस बात पे कोई बातचीत हुई है? देखिए विधायक दल के नेता का ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, तो वो तय करेगा किसको मंत्री बनना है किसको मंत्री नहीं बनना है। आप सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज किया, क्या आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में आप भी शामिल होने जा रहे हैं और बिहार से? नहीं, वो हमें क्षेत्र की जनता ने जिम्मेदारी दी है, प्राइमरली हमें उस पर काम करना है, तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो मैंडेट मिला उस मैंडेट दिन रात काम करते रहे। आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो भाजपा का मुद्दा था शाहीनबाग राष्ट्रवाद ये नहीं चल पाया? वो तो आपका रिजल्ट ही बता रहा है कि दिल्ली के जनता ने यह तय कर दिया कि वो विकास के साथ खड़ा रहेगा, वो किसी तरह की हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को सबक सिखाएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट है ये, और उन तमाम लोगों को जो ये घृणा फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, हेट कैंपेन करते हैं, उनके लिए सबक है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जीत के, किस तरह देख रहे हैं इस जीत को? देखिए ये जीत विकास के नाम पर जीत है, जहाँ एक तरफ भाजपा ने हर कोशिश की नए नए मुद्दे उठाकर, वहीं केवल अरविंद जी की टीम ने विकास के नाम पर वोट मांगा और लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया। आपको लग रहा है कि भाजपा ने जो मुद्दा लेकर जनता के बीच गया था शाहीनबाग और राष्ट्रवाद ये नहीं चल पाया? देखिए चलना भी नहीं था, दिल्ली के मामले में लोग केवल विकास की बात करना पसंद करते हैं, विकास की बात पसंद किया है, लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है। आज की बैठक में क्या बातचीत हुई है? आज के बैठक में नेताजी अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया विधायक दल का। सर मंत्रिमंडल में आपका भी नाम है? देखिए मंत्रिमंडल का फैसला करना केवल और केवल मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव, आप वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने ही फैसला करना है जी, सारा उन्हीं को फैसला करना है। जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था वो सब पूरा करेंगे? बिल्कुल, हमने अभी भी पूरा किया और आगे पूरा करेंगे। अरविंद जी को विधायक दल ने अपना नेता चुना और 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में दर्ज हो। मंत्री कौन? कोई चर्चा नहीं। इट विल डिसाइडेड बाय द सीएम। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही रहेंगे, रहने चाहिए। ठीक
ठीक है। और आप सर नहीं अभी अभी मैं नथिंग नथिंग आई विल कमेंट्स ऑन मी। मैम क्या बैठक में क्या बातचीत हुई है? बैठक में हुआ है शपथ ग्रहण का, हाँ 16 तारीख को। मंत्री कौन कौन बन रहे हैं, आपका भी नाम है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि एक महिला भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी। देखो ये नहीं पता, अभी वही बताएंगे कौन मंत्री बनता कौन नहीं बनता। आप जीत के लिए अस्वस्थ थे पहले से ही? नहीं, मुझे शोर थी। शोर थे आप? हाँ। तीन बार काउंसलर रही हूँ, पहले काउंसलर रही हूँ तीन बार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने रजौरी घाट विधानसभा के लोगों को लोगों का धन्यवाद करती हूँ, कितने भारी बहुमत से मुझे जिता के भेजा है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत आभारी है, आभारी है। आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो दिल्ली में राष्ट्रवाद का और साइनबा का मुद्दा नहीं चल पाया, विकास के नाम पर उनके जो आपको वोट दिए जनता? बिल्कुल विकास के नाम पे दिए, साइनबाग कोई मुद्दा नहीं था, जो विकास किए के मुख्यमंत्री जी ने उसके नाम पे वोट नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरविंद ये मनीष सिसोदिया ही बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया के काम भी अच्छे रहे हैं, सराहनीय काम थे काफी, जो स्कूलों के काम किए इन्होंने काफी अच्छे काम किए। आपका आप शिक्षा के बारे, हाँ। आपको लग रहा है कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा महिला होने के नाते? वो तो पार्टी बताएगी ना, पार्टी का निर्णय है, वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का, जैसा पार्टी करेगी पार्टी का निर्णय। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से एक बार तीसरी बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर मोहर लगाई है, ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार निजी हमले अरविंद केजरीवाल जी पर कर रही थी, उल जलूल बातें कह रही थी, वो सारी बातों को खारिज करते हुए दिल्ली की जनता ने ये साबित किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के देशभक्त बेटे हैं, दिल्ली के श्रवण कुमार हैं, उनके काम पर मोहर लगी है और आने वाले 5 सालों में जी तोड़ मेहनत करेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का बेटा चुन लिया, लेकिन क्या युवाओं की एंट्री अब होगी मंत्रिमंडल में? अब हमारी दूसरी मीटिंग है, इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है, आप जाने। राजेंद्र नगर ढाते के विकास के लिए देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।